हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं चिकुंडा से बोकारो के लिए, तो आपसे मिलते हैं आगे। हमारे साथ है धीरज और सुमित जो कि घोड़ा बेच के सो रहा है। ठीक है, अब आपसे आगे मिलते हैं। फिलहाल हम लोग गोविंदपुर पहुंचे हैं। मैं धनबाद से दो फ्रेंड को पिक करना है क्योंकि जमशेदपुर से आ रहा है, आदित्य और ईश्वर। वो बिग बाजार के पास वेट कर रहे हैं हमारा, हम लोग जा रहे हैं उनको पिक करेंगे वहीं से। और वहाँ से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वहाँ से जाएंगे पता नहीं, आगे देखते हैं कहाँ जाना है। बस सुमित सो के उठ गया है, घोड़ा बेच के सो रहा है क्या। तो आपसे मिलते हैं आगे धनबाद बिग बाजार के पास। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पम पम आ चुके हैं धनबाद स्टेशन से। हाँ, अब हम चलते हैं उनसे मिलने नीचे। हाँ भाई ठीक है, चलो पता नहीं क्या हमारे फ्रेंड्स आ गए। चल चुके हैं धनबाद से, अब डायरेक्ट बोकारो में गाड़ी रुकेगा। ठीक है, लोकेशन भेजा है क्या? यहाँ पे आदित्य या सुमित है। चलिए तो फटाफट के अंदाज से निकलते हैं फटाक से। फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, अब सीधा मिलते हैं आपसे रात में। Thank you.
दोस्त है मेरा, तू क्या समझाए इसे, फकीर समझाए इसे तू, न लायक समझाए इसे तू, न जलीलों को खानदान से समझ गया इसे तू। अबे रहने दे, समझ गया होगा अब। रुक जा तू, समझ गया गंदा इन्होंने, न फुक का समझ गया तू, साले मुंह तोड़ दूंगा तेरा। रुक जा तू, साले जलीले ये। 2000 years later. यहाँ सब सो गया, आज गड़ी बीच सब सो रहा है, आज यहाँ पे वहाँ सुमित है, यहाँ ये सो रहा है, यहाँ मैं सो रहा हूँ, मतलब हम सो रहे हैं, यहाँ धीरज है, वहाँ सुमित है, आदित्य है, सब यहाँ सो रहा है, आज गड़ी बीच सोना है सबको। किसलिए? ठीक है तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।